हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं लेके आई हूँ पिज़्ज़ा की एक ऐसी अमेजिंग सी रेसिपी जो आजकल बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। और ये बनता है बहुत ही सिंपल तरीके से, बिना किसी टिप्स एंड ट्रिक्स के, बिना ओवन के और बिना पिज़्ज़ा पेस्ट के। तो चलिए देखते हैं ये अमेजिंग से और इजी से पिज़्ज़ा को आखिर हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बोल में दो अंडे तोड़ के ले लिए हैं और साथ ही मैं इसमें डालूंगी एक छोटे चम्मच चिली फ्लेक्स, एक छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर लिया, एक छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे नमक लिया और एक ही छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है पिसी हुई चीनी, और साथ में एक चम्मच मैंने ओरिगेनो डाला, और साथ ही मैं यहाँ पे एक चम्मच डाल रही हूँ ड्राई ईस्ट, और एक कप मैंने यहाँ पे लिया है गुनगुना दूध, उसे भी मैंने इसमें डाल दिया, और साथ में अब मैं ऐड कर रही हूँ 3 चम्मच ऑयल। और इन सारी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, तो इन सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैंने जिस कप से दूध लिया था उसी कप से मैं यहाँ पे एक कप मैंने मैदा लिया है और उसे मैं थोड़ा थोड़ा डाल के इसमें इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, सारा मैदा आप एक साथ ना डालें इसमें, नहीं तो ये गुठलियाँ बन जाएंगी इसमें और सारा हमारा जो ये बैटर है ख़राब हो जाएगा। तो बस थोड़ा थोड़ा मैदा इसमें डालते जाएं और इसे अच्छे से आप मिक्स करते जाएं। इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना ज़रूरी है ताकि इसमें ना कोई भी लम्प्स ना रह जाए। ये देखिए, मैं इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि आप मैदे की जगह आटे का इस्तेमाल करें तो आप उसका भी कर सकती हैं, और ईस्ट की जगह पे अगर आप बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकती हैं। आपका पिज़्ज़ा बिल्कुल अच्छा बनने वाला है। तो ये देखिए, मैं इसमें ये जो मैदा था आखिरी, मैंने उसे भी डाल दिया है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ये जो बैटर है ना, ये थोड़ा सा थिक है, तो अभी मैं थोड़ा गुनगुना दूध इसमें और डालूँगी, ये देखिए, ताकि जो हमारा बैटर है बहुत परफेक्ट बन सके। ये बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में होना चाहिए, बिल्कुल देखिए ऐसा ही आपको तैयार करना है। ये देखिए, जैसा हम ढोकला वगैरह के लिए तैयार करते हैं लगभग वैसा ही होना चाहिए। और मैं इसे भी ढक के रख दूँगी, तकरीबन 15 से 20 मिनट तक रखूँगी ताकि जो ईस्ट है एक्टिवेट हो सके। और आप अच्छा रिजल्ट चाहती हैं तो तकरीबन इसे 1 घंटे ज़रूर इसको रेस्ट करने दें। अब मैं इसमें डालूँगी सारी सब्जियाँ जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ पे डाला है हरी शिमला मिर्च, मशरूम डाले हैं, साथ ही मैंने यहाँ पे डाला है रेड और येलो बेल पेपर, अनियन को मैंने चॉप करके डाला है, और यहाँ पे मैंने ओरिगेनो और साथ में डाला है पार्सले, और जो भी पिज़्ज़ा सीजनिंग आप डालती हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए, तो ये सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब चलिए इसको बनाने चलते हैं। तो कढ़ाई मैंने यहाँ पर गर्म कर लिया था, अब इसमें मैंने डाला 1 चम्मच ऑयल, और आप चाहे तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और यहाँ पे मैंने सारी सब्जियों को स्क्वायर शेप में काट लिया है और उसे मैं इसे कढ़ाई में नीचे डाल देती हूँ। तो सारी सब्जियों को हमें ऐसे ही यहाँ पे सजा देना है, और मैं यहाँ पे कुछ ऑलिव्स भी डाल रही हूँ, इससे क्या होगा कि बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह दिखेगा। और अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ ये बैटर, और ये बैटर को मैं अच्छे से चारों तरफ फैला दूँगी। और गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है, और ये जो सब्जियाँ थी मैं इसके ऊपर भी डाल दे रही हूँ। ये देखिए, ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। और साथ ही मैंने यहाँ पे डाल दिया थोड़े से मोजरेला चीज़, और इसे मैं ढक के तकरीबन 7 से 8 मिनट तक इसे कुक होने दूँगी। बिल्कुल ऐसे ही देखिए, 8 मिनट हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसे पलट लूँगी। ये देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत आया है, और ये बहुत अच्छे से नीचे से सिक गया है, बहुत अच्छा कलर आया है। बिल्कुल आप जैसे ओवन का पिज़्ज़ा देखते हो बिल्कुल वैसा ही बन के तैयार हो रहा है ये। तो इसे मैं इस साइड से दूसरी साइड से भी तकरीबन 5 से 6 मिनट इसे अच्छे से ढक के पका लूँगी। ये देखिए, हमारा पिज़्ज़ा बन गया है। मेरा जो पहले मैंने पिज़्ज़ा बनाया था उसकी वीडियो कट हो गई थी, तो ये दूसरा पिज़्ज़ा मैंने यहाँ पे बना लिया है आपके लिए। तो गर्मा गर्म ये पिज़्ज़ा बन के तैयार हो गए हैं। तो चलिए इसको कट कर लेते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत झटपट बन के तैयार हो जाता है, कोई इसके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत ही नहीं है। बाहर से तो हम पिज़्ज़ा बहुत बार ऑर्डर कर देते हैं, मगर घर के पिज़्ज़ा की बात ही कुछ और होती है। इतना ये टेस्टी बनेगा कि एक बार आपने खाना शुरू किया ना इसको, तो रुकना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपका मन कर रहा है बहुत ही कुछ टेस्टी सा खाने का, और आपके बच्चे भी जिद कर रहे हैं कि उन्हें पिज़्ज़ा खाना है, या बच्चों को अपने लंच बॉक्स में पिज़्ज़ा ही चाहिए, तो आप इस अमेजिंग से पिज़्ज़ा रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, झटपट से बन के तैयार हो जाता है, और आपके बहुत सारे पैसे भी बचते हैं। तो चलिए, अगर आपको ये मेरी पिज़्ज़ा की रेसिपी पसंद आती है ना, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे किचन की रेसिपी पहुंचे आपके किचन तक। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।